में इस वीडियो में बनाने वाले हैं चोर पकड़ने वाला अलार्म। इस सर्किट को बनाने के लिए हमने कार्टून बॉक्स के कुछ टुकड़े को काट लिया है। आप यहाँ कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। हमने तो कार्टून बॉक्स का ही इस्तेमाल किया। अब इस छोटे छोटे हमने टुकड़े को काट कर रखा था, उसे तीनों साइड से ग्लू की सहायता से चिपका लेना है। तीनों साइड से हमने इस छोटे छोटे टुकड़े को इसलिए सांटा है ताकि यह बाउंड्री वॉल की तरह दिखे और आपको पूरी सर्किट अच्छी तरीके से समझ में आए। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और यदि ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। ये 100% सक्सेसफुल सर्किट है और चोर पकड़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जिससे आप चोर बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं सर्किट से। देखिए, हमने तीनों तरफ से कार्टून बॉक्स के टुकड़े को सांट लिया है। अब हम एक गेट बना लेंगे ताकि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। इसे बनाने के लिए हमें ग्लू स्टिक चाहिए। ग्लू स्टिक को बराबर दूरी पर दो बराबर भागों में हमें काट लेना है। देखिए, हम अब इसमें दो होल कर देंगे। अब इन दोनों ग्लू में दो होल कर लेंगे बराबर दूरी पर और दो स्क्रू टाइट कर लेंगे इसमें। और इन दोनों ग्लू स्टिक को समान ऊंचाई करके, जैसे दोनों का समान ऊंचाई हो, जिस प्रकार हम सर्किट में लगा रहे हैं उसी प्रकार आपको भी लगा लेना है। अब हम एक कागज़ के टुकड़े को ले लिया है। इस कागज़ के टुकड़े को गेट की तरह हम गेट नुमा बना देंगे काट कर। अब हम ग्लू की सहायता से इसे सांट लेंगे, दोनों तरफ से चिपका लेंगे। देखिए, कुछ गेट की तरह ही बन गया। देखिए, गेट की तरह ही बन गया है। देखिए, हमारा गेट
बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर गेट लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम 220 वोल्ट एसी टू 12 वोल्ट एसी का एक ट्रांसफार्मर ले लेंगे। ट्रांसफार्मर को हम अच्छे तरीके से ग्लू से चिपका लेंगे। हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसमें दो आउटपुट पॉइंट है। एक आउटपुट पॉइंट एक IN4007 डायोड के नेगेटिव को जोड़ लेंगे। अब हम 100 MFD 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लेंगे जिसके पॉजिटिव को हम डायोड के पॉजिटिव से जोड़ देंगे और नेगेटिव को ट्रांसफार्मर के दूसरे आउटपुट छोर से जोड़ देंगे। कैपेसिटर को लगाते समय हमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान में रखना भी चाहिए। यदि हमारे सर्किट में कैपेसिटर का डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव गलत हो जाएगा तो हमारा सर्किट काम करना बंद कर देगा, सर्किट काम ही नहीं करेगा। अब हम एक 10 के रेजिस्टेंस को डायोड के पॉजिटिव से लगा देंगे। अब हमने एक NPN ट्रांजिस्टर SL100 ले लिया है जिसमें एमीटर बेस और कलेक्टर का ध्यान रखेंगे। अब हम ट्रांजिस्टर के बेस से 10 के रेजिस्टेंस का दूसरा छोर को सोल्डर कर लेंगे। सोल्डर हमें अच्छे तरीके से करना है। अब हम एक 1 MFD 63 वोल्ट का कैपेसिटर ले लेंगे। इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव है उसे हम ट्रांजिस्टर के एमीटर से सोल्डर कर देंगे और इस कैपेसिटर जो बोले एक ही है। अब हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव को ट्रांजिस्टर के बेस से सोल्डर कर देंगे। अब हमने 6 वोल्ट का रिले ले लिया है जिसको ग्लू गन की सहायता से हम ट्रांसफार्मर के ठीक बगल में चिपका लेंगे। हमने डायोड ले लिया है IN4007 जिसे हम रिले कॉइल के दोनों छोरों के बीच लगा देंगे। जिस प्रकार हम रिले में लगा रहे हैं डायोड को उसी प्रकार लगा लेना है। अब हम एक तार का टुकड़ा लेंगे जो रिले में लगे डायोड के पॉजिटिव से निकलेगा और वो तार हमारा जो 100 MFD 12 वोल्ट है उस कैपेसिटर के पॉजिटिव में जाएगा और एक रिले में लगे डायोड के नेगेटिव से निकलेगा जो NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से लगेगा। जिस प्रकार हम लगा रहे हैं हम एक तार का टुकड़ा लेंगे उसे ट्रांजिस्टर के बेस से सोल्डर कर लेंगे और उस तार को अच्छी तरीके से हम गेट तक ले जाएंगे।
अब गेट में जो हमने ग्लू स्टिक के ऊपर स्क्रू लगाया था उससे अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अब हम और एक तार का टुकड़ा लेंगे जो ट्रांजिस्टर के एमीटर से लगा लेंगे। एमीटर से इस तार को हमने अच्छे तरीके से सोल्डर कर दिया है। अब इसे गेट तक ले जाएंगे। अब हमारा जो दूसरा ग्लू स्टिक हमने लगाया था उसके स्क्रू पर इसे लगा देंगे, इस तार को जिस प्रकार हम लगा रहे हैं। देखिए अब हम एक तार का टुकड़ा ले लिए जिसे ट्रांजिस्टर के एमीटर से सोल्डर कर लेंगे और ट्रांसफार्मर के दूसरे छोर से इसे सोल्डर कर लेंगे। देखिए हम जिस प्रकार कर रहे हैं उसी प्रकार करना है सोल्डर। अब हम एक कनेक्टर ले लेंगे 9 वोल्ट बैटरी का और एक 6 वोल्ट का बजर ले लेंगे। बजर का जो नेगेटिव वाला तार है उसे हम बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव से लगा देंगे कुछ इस प्रकार जिस प्रकार हम लगा रहे हैं। अब हम इसे ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे। देखिए हमने चिपका लिया। अब हम बजर को भी चिपका लेंगे। अब जो हमारा बैटरी कनेक्ट अब जो बजर से हमारा पॉजिटिव तार निकला था वो रिले के एक छोर से लगा दिए। एन रिले में लगाते समय एन ओ एन सी का ध्यान रखेंगे और जो हमारा बैटरी कनेक्टर से एक पॉजिटिव तार आया है वो रिले के कॉमन से लगा दिए। अब हम एकदम पतले तार के एक टुकड़े को ले लिया है जिसे दोनों स्क्रू के बीच मतलब दोनों जो ग्लू स्टिक हमने लगाया था उसके बीच लगा देंगे। देखिए जिस प्रकार हम लगा रहे हैं उसी प्रकार लगा देना है। तार जितना आप पतला यूज कीजिएगा उतना जल्दी सेंस करेगा। अब हम 9 वोल्ट से इसको सप्लाई दे देंगे। 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर जो हमने लगाया उस पर लगा दे रहे हैं। रिले का कनेक्शन करते समय एन ओ एन सी का ध्यान रखें। देखिए अब ये गेट है। देखिए जो ट्रांसफार्मर का हमारा इनपुट सप्लाई है 220 वोल्ट एसी देखिए हमने दे दिया। देखिए हमने एक टॉय को चोर के रूप में इस्तेमाल किया है जो अंदर धीरे धीरे जा रहा है। जैसे ही वो अंदर गया हमारा अलार्म बजना स्टार्ट हो गया। जो आपको बता देगा कि गेट के अंदर कोई घुसा है।